हे गाइस, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं एंड आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ पर्सनल सेलिंग के बारे में। क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा स्टेट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, बट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एडवांटेज। इसका दूसरा जो पार्ट है उसमें हम डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। सो आई होप कि आपको वीडियो काफी पसंद आएगा। पसंद आएगा तो प्लीज यार इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह की वीडियोज के लिए और नोटिफिकेशन को पाने के लिए। एंड वन मोर थिंग, नोट्स हमारे पास अवेलेबल है सारे के सारे सब्जेक्ट्स के। इफ यू वांट टू बाय, यू कैन डायरेक्टली कॉल और व्हाट्सएप मी एट माय नंबर व्हिच इज 8101065300। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर थिंग, यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल नहीं है, ग्रुप है जहां पे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। एंड देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स इफ यू विल जॉइन दैट ग्रुप। यू विल गेट असाइनमेंट्स फॉर फ्री, यू विल गेट नोट्स फॉर जस्ट ₹100 पर पेपर, यू विल गेट ऑन डिमांड लेक्चर्स, यू विल गेट यू नो लेक्चर्स ऑन द नोट्स व्हिच आई विल प्रोवाइड। सो देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ जॉइनिंग दैट पर्टिकुलर ग्रुप। द लिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट टुडेज टॉपिक व्हिच इज अबाउट एडवांटेजेस ऑफ पर्सनल सेलिंग। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है टू वे कम्युनिकेशन। पर्सनल सेलिंग में जो कम्युनिकेशन है वो टू वे होता है। पर्सनल सेलिंग में आप जब किसी के पास जाते हो अपने सामान को सेल करने के लिए तो वो बंदा आपसे बात करता है, आप भी उससे बात करते हो। ऐसा नहीं होता कि आप दुकान में क्या होता है कि दुकान में आपने गए, सामान खरीदा और घर लेकर के आ गया। बातचीत तो ही नहीं कि प्रोडक्ट कैसा है, कैसे काम करेगा, इससे बेहतर प्रोडक्ट कौन सा है, इससे कम प्राइस पे प्रोडक्ट कौन सा है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जाते हो, जो भी आपको चाहिए आप लेकर के चले जाते हो, सिंपल सी बात है। लेकिन टू वे कम्युनिकेशन में क्या होता है कि बंदा एक दूसरे से बात करता है। तो दुकान वाला जो बिजनेस है वो अलग हो गया, रिटेलर बिजनेस अलग हो गया। यहाँ पे हम बड़े बिजनेस की बात कर रहे हैं जहाँ पे आप एज ए सेल्स पर्सन अपने सामान को बेचने के लिए जाओगे आपके क्लाइंट के पास, और वो क्लाइंट जो कि रिटेलर है या फिर होलसेलर है वो अपने सामान को कस्टमर को बेचेगा। आई होप के समझ में आ गया आपको। नाउ टू वे कम्युनिकेशन उस चीज में पॉसिबल है जो कि होता है क्योंकि वहां पे नेगोशिएशंस वगैरह होती है, राइट। प्रीवियस वीडियो मैंने इसको बताया भी था थोड़ा डिटेल में, तो आप उसको देख लेना एक बार। नाउ इन पर्सनल सेलिंग इट इज पॉसिबल टू हैव कम्युनिकेशन फ्रॉम सेलर टू बायर एंड फ्रॉम बायर टू सेलर, है ना। पर्सनल सेलिंग में ये पॉसिबल होता है, ये चीजें देखी जाती हैं कि यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन होता है सेलर टू बायर एंड बायर टू सेलर। सेल्स पर्सन कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द प्रस्पेक्टिव कस्टमर, आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द कस्टमर, एंड कस्टमर्स कैन ऑल्सो रेज द क्वेरीज एंड गेट देम क्लैरिफाइड, है ना। सो जो सेल्स पर्सन होता है जब उसने अपने सामान को बेचना होता है तो डेफिनेटली वो सिर्फ जाकर के अपने सामान को बेच तो नहीं पाएगा, उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी आपको देनी होगी। तो जो भी आपका प्रस्पेक्टिव कस्टमर है, जो आपका कस्टमर बन सकता है, आप उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हो, उनसे सवाल पूछते हो। जैसे कि आप अगर मुझसे नोट्स लेते हैं तो आप ऐसे ही तो नहीं ले लेंगे, आप मुझसे नोट्स के बारे में बात करेंगे। और आप मेरे प्रस्पेक्टिव कस्टमर हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरा प्रस्पेक्टिव कस्टमर है। अगर वो वीडियो से सिर्फ वीडियो से सारी चीजें समझ में नहीं आती, कई लोग बुक से भी पढ़ते हैं, नोट्स से भी पढ़ते हैं, है ना, पीडीएफ से पढ़ते हैं, तो वो बंदे क्या करेंगे, मुझसे नोट्स खरीदने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप हैं। अब मैं सभी की बात नहीं कर रहा, सारे लोगों को नोट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आप क्या करोगे, मुझसे बात करोगे कि सर क्या ये नोट्स सफिशियंट है, आपका जो भी क्वेरीज होगा आप मुझसे पूछोगे, मैं उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने क्या किया, आप मेरे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हो तो मैंने आपको बताया अपने प्रोडक्ट के बारे में, आपसे सवाल पूछे कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर आपको नोट्स चाहिए, वगैरह वगैरह कस्टमर से मैंने पूछा। और कस्टमर जो है वो भी मुझसे सवाल पूछ रहा है कि भाई आपका नोट्स कैसा है, वो भी मुझसे क्वेरीज पूछ रहा है और अपने प्रॉब्लम्स को, अपने जो डाउट्स हैं उसको वो क्लैरिफाई करा रहा है। सो ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे अपना बारे में बोल दिया, बट इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। जरूरी नहीं है यार मेरा एग्जांपल मत देते ना, कुछ और एग्जांपल देना, ठीक है, बिजनेस का एग्जांपल देना। नाउ दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी इन कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन, और याद रखना यहाँ पे तुम कस्टमर नहीं हो, यहाँ पे तुम सेल्स पर्सन हो। एज ए सेल्स पर्सन तुमको बताना है कि अगर तुम सेल्स पर्सन बनोगे तो क्या क्या एडवांटेजेस तुमको मिलेगा। खुद खुद के ऊपर सवाल को लेकर के देखो, आंसर तुम्हें ऑटोमेटिक पता चल जाएगी, ठीक है ना। खाली मीनिंग समझ लो, पर्सनल सेलिंग का मीनिंग समझ लो, बना दो तुम अपने आप लोगे। टू वे कम्युनिकेशन पहला हो गया। दूसरा क्या, फ्लेक्सिबिलिटी इन कम्युनिकेशन। तो वो तो होता ही है, कम्युनिकेशन में जब आप किसी से बात कर रहे हो तो वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वहां पे एडजस्टमेंट होता है, वहां पे जस्टिफिकेशन, वहां पे मॉडिफिकेशन, सब कुछ होता है। लेकिन जब आप डायरेक्टली कस्टमर से जाकर के सामान खरीद के लेकर के लेके चले आते हो दुकानदार से, तो वहां पे कुछ नहीं हो रहा, वहां पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जो भी आपको चाहिए प्राइस पैसे पे कर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन देखने को मिलता है, है ना। शार्प फोकस ऑन टारगेट कस्टमर, जो भी आपके कस्टमर्स टारगेट कस्टमर्स हैं, जो आगे जाकर के आपके पोटेंशियल कस्टमर्स बन सकते हैं, आपका टारगेट जो है उन्हीं के ऊपर होता है, आप उन्हीं को सेल करने की कोशिश करते हो,
राइट दूसरा पॉइंट पहले कर लेते हैं. सो द सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ पर्सन सेलिंग इज इट्स फ्लेक्सिबिलिटी टू कस्टमाइज सेल्स प्रेजेंटेशंस फॉर डिफरेंट कस्टमर्स एंड डिफरेंट सिचुएशंस, है ना. तो सिग्निफिकेंट एडवांटेज है ना वो ये है कि आप अपने कस्टमर के यू नो जो नीड है उसके हिसाब से आप चीजों को कस्टमाइज कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर सकते हो, ताकि जो आपका क्लाइंट है, जो आपका कस्टमर है, कस्टमर मतलब नॉर्मल कस्टमर नहीं, आपका क्लाइंट, बड़ा क्लाइंट, वो जाकर के जिसको बेचेगा वो उसका कस्टमर होगा, ठीक है ना. तो उस तरीके से आप उसको यू नो प्रेजेंटेशन दोगे, आप उसको बताओगे कि ये सही है, वो सही है, वगैरह वगैरह, और उसको कस्टमाइज करके आप चीजों को करने की कोशिश करोगे. और ये तभी पॉसिबल है जब कम्युनिकेशन हो. कम्युनिकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी भी तभी आती है जब कम्युनिकेशन होता है. कम्युनिकेशन नहीं होगा तो फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से आएगी, है ना. तो ये होता है. सेल्स पर्सन कैन टेलर देयर प्रेजेंटेशन टू फिट द नीड्स. तो सेल्स पर्सन होते हैं वो अपने प्रेजेंटेशन को टेलर कर सकते हैं, काट सकते हैं, तोड़ सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना, फिट द नीड्स, मोटिव्स एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर्स, है ना, ताकि वो अपने इंडिविजुअल कस्टमर्स के बिहेवियर्स को समझ सकें और उसके बेसिस पे चीजों को अलग अलग कर सकें, है ना. अब हर आदमी को हर चीज नहीं चाहिए होती, हर बंदे को सारी जानकारी से पता हो या हर बंदे को सारी चीजें आती हो जरूरी नहीं है. तो जो भी चीजें आती हैं आपको उसके बेसिस पे काम करना होता है, है ना. यहाँ पे भी वही बोला गया है कि एक सेल्स पर्सन जो सामान जिसको वो सामान बेच रहा है उसको सारा चीज पता हो आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी जरूरी नहीं है, लेकिन उसको जो पता है आपको उसके हिसाब से बन करके आपको उसके हिसाब से समझाना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट में ये है और आपको अगर ये प्रोडक्ट में ये स्पेसिफिकेशन नहीं चाहिए तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटाने से फिर आपका कॉस्ट जो है इतना पड़ेगा, है ना, इस तरीके से. So our salesperson can also go on assessing the customer's reaction while making sales presentation and immediately adjust the message to facilitate better connection between the message and the needs of the customer. वही बात है यार, उसी को घुमा फिरा करके फिर से बोला गया, तुम्हारी मर्जी, दूसरे तरीके से लिख देना, ठीक है ना. तो क्या बोला गया, सेल्स पर्सन कैन गो ऑन एसेसिंग द कस्टमर्स रिएक्शन. एक सेल्स पर्सन जो है, आप एज अ सेल्स पर्सन जो कस्टमर का रिएक्शन आएगा उसको आप एसेस करने की कोशिश करोगे व्हाइल मेकिंग सेल्स प्रेजेंटेशन. जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो वहां पे आप बातचीत कर रहे हो और बातचीत करके जो आपको रिएक्शन आपके कस्टमर से मिल रहा है, क्लाइंट से मिल रहा है, कस्टमर क्लाइंट से मिल रहा है, उसके बेसिस पे आप चीजों को फिर एडजस्ट कर रहे हो और उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो. मतलब यहाँ पे जो कम्युनिकेशन दोनों के बीच में हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी है, राइट. वही बात यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है. तीसरा पॉइंट है शार्प फोकस ऑन टारगेट कस्टमर. तो जो आपके टारगेट कस्टमर्स होंगे उसके ऊपर आपका फोकस जो है वो शार्प होता है और वो होना भी चाहिए. एज अ सेल्स पर्सन आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से लोग आपके कस्टमर्स हैं या आगे आने वाले समय में आपके कस्टमर्स बन सकते हैं, ठीक है ना. सो द थ्रू पर्सनल सेलिंग एफर्ट टू सेल इज फोकस्ड ऑन पोटेंशियल कस्टमर्स ओनली. तो पर्सनल सेलिंग के जब की जाती है तो वहां पे आपका जो मेन फोकस है, क्योंकि आपको तो दुकान खोल के नहीं बेचना ना, दुकान खोल के बेचोगे तो आपको कस्टमर को ढूंढना नहीं पड़ेगा, कस्टमर खुद आएगा सामान लेने के लिए. लेकिन जब आप एज ए पर्सनल सेलर किसी क्लाइंट को ढूंढ रहे हो, कस्टमर क्लाइंट को ढूंढ रहे हो, तो उस केस में आपको कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे और जो आपका पोटेंशियल कस्टमर होगा उसको आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी वगैरह देनी होगी. तो आपका फोकस जो उसी पे होगा, है ना. Thus it minimizes wastage effort, whereas it is not possible in the advertising, है ना. Advertising में ये possible नहीं है. यहाँ पे जो है जो आपका effort है वो जो waste होने से उसको वो बचाता है. ये जो sharp focus होता है यहाँ पे जो है आपका ध्यान चूंकि चीज सिर्फ उसी चीज पे होता है तो आपका जो यू नो जो effort है वो waste नहीं हो पाता और उसको जो है minimize किया जा सकता है, right? और यहाँ पे आप ad भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है, है ना. यहाँ टीवी पे ऐड तो चल रही है, आप पर्सनल सेलिंग कर रहे हो, पर्सनली जाकर के सेल कर रहे हो, अपने चीजों के बारे में बता रहे हो, प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो. एड्स रीच मच लार्जर, एड जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचता है, लार्जर ऑडियंस तक पहुंचता है, विच मे इंक्लूड मेनी पीपल आउटसाइड द टारगेट मार्केट ऑफ अ प्रोडक्ट. जिसमें ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनको उस प्रोडक्ट की आवश्यकता नहीं है. और ये एग्जाम्पल तो आपने देखा होगा यूट्यूब में या जब आप यू नो कहीं पर भी किसी वेबसाइट में भी आप विजिट करेंगे तो आपको ऐसी ऐसी एड्स दिखाई देंगी जिसमें आपने कभी इसको इंक्लूड भी नहीं किया होगा, आपने उसके बारे में सर्च भी नहीं किया होगा, फिर भी वो एड्स आपको दिख रही हैं. आप पोटेंशियल बायर नहीं हो, आप उसको खरीदोगे भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको दिखाई दे रही है. तो एड्स का जो यू नो रीच है वो काफी ज्यादा है, लेकिन उसमें से कितने लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे ये आपको पता नहीं है. A lot of time and money gets wasted in the advertising. सही बात है, बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च होते हैं और टाइम भी ज्यादा है जाता है. Many people outside the target market. क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ अपने बंदों को नहीं, मतलब ऐसे लोगों को नहीं जिसको जरूरत है, बल्कि ऐसे लोगों को भी वो शो कर देता है जिसको जो कि आपके पोटेंशियल कस्टमर नहीं बनने वाले हैं, है ना. Who are not likely to buy. In personal selling, the sales person identifies the potential customers who have the need
है ना, ऐसे कस्टमर जिनको जरूरत है, एबिलिटी है, डिजायर है टू बाय द प्रोडक्ट एंड फोकस सेलिंग एफर्ट ऑन देम ओनली, और वो आप जो है उसी चीज के ऊपर सिर्फ फोकस करते हो, ठीक है। तो एड्स के बारे में जब समझाया गया कि एड्स यहाँ पे आइडियल नहीं है, पर्सनल सेलिंग में ज्यादा सही होता है क्योंकि यहाँ आपका फोकस जो है उसी चीज के ऊपर होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि पर्सनल सेलिंग में आप जिसके पास गए उसी ने आपका प्रोडक्ट खरीद लिया, वहां पे भी डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलती है, लेकिन आपके पास जो चांसेस है वो थोड़े से कम होते हैं, है ना। और यहाँ बल्क में ऑर्डर आता है तो कोई तो दिक्कत है ही नहीं, पैसे ही पैसे, पैसे छापते हैं वहां पे लोग, ठीक है ना। चौथा है पर्सनल अटेंशन एंड डिटेल्ड प्रेजेंटेशन, ये भी देखने को मिलता है। पर्सनल सेलिंग का मतलब ही है कि आपको जो भी उसकी नीड्स हैं, कस्टमर्स की नीड है, आप उसको पर्सनली चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो, जो आपका अटेंशन है वो आपको पर्सनल मिल रहा है, आप दे रहे हो कस्टमर क्लाइंट को। डिटेल्ड प्रेजेंटेशन, और आप उसको प्रेजेंटेशन जो दोगे वो डिटेल में दोगे, सारी की सारी चीजें बताओगे, क्या सही क्या गलत, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या फायदे क्या नुकसान, नुकसान नहीं बताओगे, आपको ज्यादा फायदे ही बताओगे कि आपको अपने प्रोडक्ट को बेचने हैं वगैरह वगैरह, तो वो चीज देखने को मिलती है। नाउ नीडफुल इन्फॉर्मेशन इज जनरेटेड, आई मीन सॉरी गैदर्ड अबाउट एवरी प्रोस्पेक्टिव प्लान, है ना, हर एक प्रोस्पेक्ट जो है उसके बारे में आप जो 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 भी जरूरत की जानकारी है, देखो जानकारी तो बहुत सारी होती है। आपको लैपटॉप चाहिए, अब लैपटॉप में क्या क्या फीचर्स है आपको तो यही जानोगे ना, रैम कितना है, रोम कितना है, ये कितना है, वो कितना है, बस इतना ही जानोगे। लैपटॉप बना कैसे, उसको उसकी असेंबलिंग कैसी हुई, अंदर वाले पार्ट्स को कैसे जोड़ा गया, ये तो नहीं जानोगे। तो जो नीडफुल इन्फॉर्मेशन है कि मतलब रैम कितना है, रोम कितना है, ये वो, वही चीजें जो है आपके पास होनी चाहिए और वही चीजें आप बताते भी हो, क्योंकि जो कस्टमर है उसको ये नहीं जानना कि लैपटॉप कैसे बना, है ना, वो जानना होगा तो फिर तो वो इंजीनियरिंग कर लेगा, राइट। तो वो चीज पर्सनल अटेंशन डिटेल, ये चीज जो है मतलब जो है जानकारी जरूरी है, वही जानकारी आपके पास होनी चाहिए और आपको बतानी है। एवरी कस्टमर इज गिवन पर्सनल अटेंशन एंड इट्स पॉसिबल टू गिव डिटेल्ड डेमोन्स्ट्रेशन अबाउट द प्रोडक्ट, है ना, हर एक कस्टमर के को जो है पर्सनल अटेंशन जो है दिया जाता है एज अ पर्सनल, ये एंड डिटेल डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो भी दिया जाता है। जो कस्टमर की क्वेरीज होती हैं उनको आंसर करने की कोशिश की जाती है। फॉर एग्जाम्पल सेल्स पर्सन गैदर्स डेटा अबाउट साइज ऑफ द कंपनी, जो सेल्स पर्सन होता है वो कस्टमर की जो कंपनी है उसके साइज के बारे में डेटा को गैदर करता है, कंपनी की क्या क्या नीड्स, जो पैरिटी ऑफ नीड्स है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। परचेस डिपार्टमेंट पॉलिसी, जो जो डिपार्टमेंट की पॉलिसीज होती हैं उसके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए, है ना। टाइप ऑफ कस्टमर्स ऑफ द कंपनी, कस्टमर्स के पास कितने तरह के, आई मीन कंपनी के पास कितने तरह के कस्टमर्स हैं, वो जानकारी आपके पास होनी चाहिए। एज ए पर्सनल सेलर आपको ये सारी चीजें जो है पता होनी चाहिए। टू डेवलप राइट प्रेजेंटेशन फॉर द कंपनी, आप जिस कंपनी के बारे में, देखो यहाँ पे कस्टमर और कंपनी ना सेम ही है, आप इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करो, ये एक बंदा दूसरे बंदे को जाकर के समझा रहा है, ठीक है ना। आपका जो कस्टमर है वही कंपनी है जो कि प्रोडक्ट को आगे जाकर के बेचेगी। जब हम कोई सामान खरीदते हैं ना, तो वो सामान सिर्फ उसी कंपनी के पास से नहीं आता, वो जिस सामान ने उस सामान को जिस कंपनी बनाया उसने उसको उसका फायदा उसमें होता है, उस कंपनी ने जिस लॉजिस्टिक वाले को भेजा उसका फायदा होता है, वो लॉजिस्टिक वाला जिस वेयर हाउस में रहा उसका फायदा होता है, वेयर हाउस वाला बंदा फिर जो होलसेलर है उसके पास वो भी उसमें इंक्लूडेड होता है। तो जो बंदा जो बिजनेस लोग करते हैं वो तो अपने अकेले के लिए नहीं करते ना, बिजनेस कंपनी के नाम पे करते हैं, तो सारे के सारे क्लाइंट्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का क्लाइंट वो सारा हो गया, उसका क्लाइंट उसके नीचे उसके बाद वाली कंपनीज होगी, उसका क्लाइंट उसके बाद वाली कंपनीज होगी, तो इसी तरीके से चीजें जो है हो रही हैं। तो एज अ सेल्स पर्सन आपके लिए जो कस्टमर है, जो कंपनी है, है ना, आप उसके लिए डेटा को प्रेजेंटेशन करोगे इन सारी इंफॉर्मेशन के साथ जो अभी मैंने बताई है, है ना, परचेस डिपार्टमेंट पॉलिसीज वगैरह वगैरह, ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। छठा पॉइंट है इंस्टेंट फीडबैक, ठीक है। इंस्टेंट फीडबैक में ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, मैं बोलना चाहूंगा पर्सनल सेलिंग का, कि आपको जो फीडबैक है वो तुरंत मिल जाता है, क्योंकि जो कस्टमर होता है वो आपके प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से चेक करता है, उसके पास काफी जानकारी होती है एंड वो आपको अच्छे तरीके से फीडबैक दे पाता है कि आपके प्रोडक्ट में कहीं कुछ खामी है या नहीं है, क्योंकि आप अगर प्रोडक्ट अपना लेकर के जा रहे हो सब कुछ अच्छा हो ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि जो बगल वाली कंपनी जो बड़ी कंपनी है उसके पास आपसे अच्छे ज्यादा प्रोडक्ट हो, है ना। तो जो फीडबैक है कस्टमर के पास से, कस्टमर क्लाइंट के पास से, वो आपको तुरंत देगा कि आपके प्रोडक्ट में ये कमी है या ये अच्छा नहीं है या इसको और अच्छा किया जा सकता है वगैरह वगैरह, ये फीडबैक आपको तुरंत मिल जाता है। सेल्स पर्सन गेट्स इंस्टेंट फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स अबाउट देयर इंटेंशन टू बाय और नॉट टू बाय, ये तो पता चल ही जाना है, बंदे को लेना है कि नहीं लेना है ये आपको तुरंत पता चल जाएगा, शक्ल से पता चल जाएगा, ठीक है। विच एंड मे ऑल्सो नो द रीजन फॉर नॉट बाइंग, और उस टाइम पे आप ये भी पता कर सकते हो कि आप इस प्रोडक्ट को क्यों नहीं खरीद रहे हो, ठीक है ना, ये भी आप पता कर सकते हो। छठा पॉइंट है मेजरिंग इफेक्टिवनेस, है ना। तो आप
पर्सनल सेलिंग का जो एडवांटेज है वो ये भी होता है कि आप इफेक्टिवनेस चेक कर सकते हो कि वो किस तरीके से काम कर रहा है. अनदर एडवांटेज ऑफ पर्सनल सेलिंग इज दैट इट इज इजियर टू असेस द रिजल्ट्स ऑफ टाइम एंड मनी स्पेंड इन पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स. पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स में जितने भी टाइम आपने इन्वेस्ट किए, जितने भी पैसे आपने इन्वेस्ट किए, उसका क्या इफेक्टिवनेस निकला, उसका कितना आपने सेल किया. सपोज आपने जो जो भी पर्सनल सेलर आपने रखा था, मैं ऐसे कंपनी बात कर रहा हूँ, आप मैंने जिसको भी अपना पर्सनल सेलर रखा है उसको मैंने पैसे भी दिए हैं, उसको टाइम भी दिया है ना, तो वो बंदा कितना इफेक्टिव हो पाया, ये आपको जो है आप इसमें मेजर कर सकते हो. एड्स में मेजरमेंट एक तरीके से नहीं हो सकती, इसमें मेजरमेंट हो सकती है. आप मेजर करके पता करोगे कि जो बंदा है वही काम चोर है, जो पर्सनल सेलर है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, ये भी आपको पता चल सकता है. कि ऐसा भी पता चल सकता है कि बंदा ठीक तरीके से काम कर रहा है लेकिन कस्टमर को जो है उस तरह का प्रोडक्ट नहीं चाहिए, है ना, प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो है किसी और तरीके का चाहिए, उसको कोई और प्रोडक्ट पसंद है, राइट. तो इस तरह की चीजें आप जो है मेजर कर सकते हो वाइल डूइंग दिस पर्सनल सेलिंग. पर्सनल सेलिंग में ही ये चीजें पॉसिबल है, ठीक है. सो मनी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. पैसे आप मेजर कर सकते हो कि कितने सेल्स उसने किए हैं, है ना. नंबर एंड साइज ऑफ द सेल्स ऑर्डर, जो सेल्स ऑर्डर था उसका नंबर कितना था और साइज कितना है. सपोज 10 ऑर्डर आपको मिले हैं, है ना, और साइज जो है सबका बड़ा बड़ा है, एक एक ऑर्डर में 500 क्वांटिटी, 600 क्वांटिटी प्रोडक्ट जो है मंगवाया गया है, समझ रहे हो. इस तरीके से आप कर सकते हो. एक्सपेंसेस इनकर्ड, कितने खर्च हुए वो आप पता कर सकते हो, कितना प्रॉफिट हुआ वो फायदा पता कर सकते हो. और इन सब के नंबर्स अगर अच्छे हो अच्छी बात है, नहीं अच्छे हो तो सोचना कि जो सेल्स पर्सन है वही काम चोर है, ठीक है. सो मेजरिंग सेल्स इफेक्टिवनेस एंड डिटरमाइनिंग आरओआई, है ना, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है ये आरओआई, वो आपको जो है पता चल जाता है. आर इजियर फॉर पर्सन सेलिंग देन अदर प्रमोशनल टूल्स. अदर प्रमोशनल टूल्स के मुकाबले आरओआई जो है, जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इसको आप ठीक तरीके से मेजर कर सकते हो, ज्यादा इफेक्टिव तरीका भी होता है. सातवां नंबर है गेटिंग कस्टमर्स अटेंशन. जब आप किसी के घर जाकर के किसी से मिलकर के अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हो ना, तो उनके पास अटेंशन ज्यादा होता है, अब वो चीजें उसको जो है याद रह जाती हैं. तो कस्टमर का अटेंशन जो है पाने के लिए पर्सनल सेलिंग बहुत एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और इसलिए ये एडवांटेज में है. सो द वन ऑन वन इंटरेक्शन ऑफ पर्सनल सेलिंग मेक्स इट इजियर टू गेट कस्टमर अटेंशन. तो जब वन ऑन वन इंटरेक्शन होता है तो यहाँ पे जो कस्टमर का अटेंशन है वो आपको बहुत आसान तरीके से मिल जाता है ना. टू रिस्पॉन्ड क्वेश्चंस, आप चूंकि वन ऑन वन है तो आप जो भी उसकी क्वेरीज होंगे आप उसको ठीक तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाओगे, है ना, मोटिवेट कर पाओगे. आप उस कस्टमर को मोटिवेट कर सकते हो जो आपका कस्टमर कस्टमर क्लाइंट है, तो ताकि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदे, है ना, इस तरीके से. हाउएवर ऑल द पीपल गेटिंग एक्सपोज टू एड एंड टीवी. अभी के टाइम पे देखा जा रहा है कि सारे लोग जो है टीवी देख रहे हैं, एड देख रहे हैं. पहले के टाइम पे टीवी में एड वगैरह आता था, लेकिन अभी तो टीवी बंद ही हो गया है, अभी तो सब कुछ यूट्यूब पे है, डिफरेंट डिफरेंट यू नो वेब एप्स पे है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो है, वहां पे एड्स वगैरह चल रही है. तो अब ना टीवी पे देखना उतने एड की वैल्यू नहीं है, लोग दिखाते हैं, जो जो लोग कम कमा रहे हैं उनके पास तो घर में टीवी ही है, वो लोग ज्यादा तो मतलब फोन या फिर लैपटॉप या टैब यूज नहीं कर रहे हैं. तो टीवी का मार्केट भी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग अब यूट्यूब पे आ गए हैं, तो यूट्यूब पे देखना भी एड्स ज्यादा देखने को मिलते हैं. और वो भी ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्मल एड्स, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो एड्स दे रही हैं, समझ रहे हो ना, तो वो चीजें भी हमें देखने को मिल रही हैं. लेकिन पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि आप वन ऑन वन चीजों को सॉल्व कर पाते हो, वन ऑन वन अपने यू नो जो भी उसके डाउट्स हैं उसको क्लियर कर पाते हो, ठीक है. लेकिन इस वाले में जो एड वाला तरीका है उसमें आप पर्सनल चीजें नहीं कर सकते. यहाँ पे देखो बोला भी गया है, हाउएवर ऑल द पीपल गेटिंग एक्सपोज टू एन एड, वॉचिंग टीवी, रीडिंग न्यूज पेपर एक्सेट्रा, मे नॉट पे अटेंशन टू द एड. हो सकता है कि उस टाइम पे वो लोग अटेंशन ना करें ऐड के ऊपर, एंड वो भूल जाएं आने वाले समय में, ठीक है, फिर भूल जाएं और वो चीज को बाय ना करें. लेकिन जब आप पर्सनली जाओगे ना किसी से मिलने तो वो ले लेगा. लेकिन हमारे इंडिया में भाई एक चीज और बता दूं कि कस्टमर का जो थिंकिंग है ना, जो सोच है ना, आप जब किसी के पास अचानक से पहुंच जाते हो ना चीजों को बताने के लिए तो दिक्कत हो जाती है. पहले से आप बता दो, वो आपकी जानकारी इकट्ठा करके रखेगा, सब कुछ पता करके रखेगा, फिर आप जाओ उसके पास, तो वो जो है सेटिस्फैक्टरीली आपको आंसर भी कर पाएगा, आपके प्रोडक्ट को खरीद भी सकता है, राइट. लेकिन अचानक से किसी के पास चले जाना और सोचना कि वो आपके प्रोडक्ट खरीद लेगा, ये बहुत दिक्कत वाली बात है. तो ये भी प्रॉब्लम एक होता है. तो यू नो प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाना बहुत जरूरी होता है. आठवां नंबर पॉइंट है परफॉर्मिंग एडिशनल टास्क, है ना. तो इसमें जो है जो आपका जो हम बेनिफिट अभी हम कर रहे हैं सेल्स पर्सन के, तो उसमें ये भी है एडवांटेज, ये भी है कि यहाँ पे आप एडिशनल टास्क अगर है तो उसको आप ऐड कर सकते हो. किसी बंदे ने आपको बोला कि आप अपना प्रोडक्ट ही लेकर के आ जाओ, प्रोडक्ट का डेमो मुझे दिखा दो ताकि मैं प्रोडक्ट को खरीद सकूं, तो वो माफी चाहूंगा,
तो वो तो तभी पॉसिबल है ना जब आप प्रोडक्ट को लेकर के जाओगे। तो बंदा वो एक दिन पहले भी आपको रात में फोन करके बोलेगा आप अगले दिन लेकर के चले जाओगे, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन टीवी वाले ऐड में क्या ये फ्लेक्सिबिलिटी है? नहीं, टीवी वाले ऐड में सिर्फ आप ऐड दिखा रहे हो, लेकिन जो कस्टमर को जानना है वो उसको पता नहीं चल रहा, वो उसको प्रैक्टिकली फील करना चाहता है, प्रैक्टिकली टच करके देखना चाहता है कि आपका प्रोडक्ट ऐसे काम करता है, ठीक है। तो ये चीजें भी, कुछ और टच करने की बात नहीं कर रहा, तो ये चीजें भी काम करती हैं। तो थ्रू पर्सनल सेलिंग इट इज पॉसिबल फॉर द सेल्स पर्सन टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क। सेल्स पर्सन के लिए मल्टीपल टास्क परफॉर्म करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है इस वाले केस में, जो हमारा तरीका है पर्सनल सेलिंग का उस वाले में, रादर देन की एड्स। एड्स में आप चीजों को समझ नहीं सकते हो कि प्रोडक्ट कैसा है ना, लेकिन जब आप पर्सनली चीजों को जाकर के चेक करते हो, कोई बंदा आपके पास मतलब ले करके आता है, तो आपको समझ में आता है ये प्रोडक्ट ऐसे काम करेगा, ये अच्छा है, इसमें ये फायदे हैं, और आप उस चीज को खरीद पाते हो, है ना। फील करना, प्रोडक्ट को फील करना बहुत जरूरी है। मेरे साथ अभी रिसेंट में एक घटना हुआ, मैं बता देता हूँ। मैं कूलर लेने के लिए गया था, ठीक है। तो कूलर मैंने देखा था किसी और कंपनी का, वो था नहीं, मुझे कोई और कंपनी लेना था, और उस बंदे के पास उस कंपनी का कोई प्रोडक्ट था ही नहीं, तो मैं प्रैक्टिकली चेक ही नहीं कर पा रहा था। तो वो प्रोडक्ट जब घर पे डिलीवर हुआ ना, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उसको ऑपरेट कैसे करूँ, क्योंकि चीजें बिल्कुल डिफरेंट थी, जो मुझे पसंद था वो तो मुझे मिला ही नहीं। तो उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है, सेम चीज, पर जो पानी डालने का जो इनलेट है वो अलग जगह पे है, आउटलेट अलग जगह पे है ना, बर्फ का जो कंपार्टमेंट होता है, आइस कंपार्टमेंट होता है, वो कहीं और है। तो वो मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई उस चीज के कारण, लेकिन जो प्रोडक्ट मैंने लिया तो उससे ज्यादा बेहतर है। मैंने उसकी रेटिंग्स वगैरह पढ़ी, प्राइस वगैरह देखी, मुझे बहुत अच्छे प्राइस पे भी वो जो है मिल गया। तो ये चीज जो है देखने को मिलती है, प्रॉब्लम जो है वो होता है एडिशनल टास्क में, है ना। ये है एग्जाम्पल मैंने दे दिया। सो फॉर एग्जाम्पल इन एडिशन टू सेलिंग अ सेल्स पर्सन कैन परफॉर्म नॉन सेलिंग टास्क। यहाँ पे नॉन सेलिंग टास्क की बात भी बोली जा रही है, ठीक है ना, जैसे कि प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सर्विसेज। आपने सेल के बाद जो है आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड की, एड्स में देख करके क्या आप ये चीजें क्लियर कर पाओगे? एड देख करके क्या आपका हो पाएगा? नहीं। पर्सनल सेलिंग में ये पॉसिबल है। कलेक्ट पेमेंट्स, आप पर्सनल सेलिंग में गए, आपने पेमेंट कलेक्ट कर लिया, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको बोला गया आप ऑनलाइन पे कर दो और आपने पे कर दिया, कई बार लोग नहीं करते हैं ऐसा, ठीक है ना, तो ऐसा भी देखने को मिलता है। एंड कलेक्ट कस्टमर फीडबैक फॉर द कंपनी, है ना। ये सारी की सारी चीजें जो जो है आप देखो जा करके ही हो पाएगा, पर्सनल में ही पॉसिबल है। ऑनलाइन लोग बोलते हैं करने को, आपके पास मेल आएगा, आपके पास मैसेज आएगा कि सर फीडबैक दे दो, फीडबैक दे दो। जरूरी नहीं है कि आप दोगे, मैं भी नहीं देता, कितनों को दूंगा यार, है ना। तो ये देखने को मिलता है, ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, पर्सनल सेलिंग अगर हो रही है, जैसे मैं बैंक में गया, बैंक वालों की तरफ से मेरे पास ऑनलाइन आ रहा है मैसेजेस की भाई फीडबैक दे दो, जो मेरा रिलेशनशिप मैनेजर है, मैं नहीं कर रहा। लेकिन मैं जब बैंक में जाऊंगा ना, तो पर्सनल सेलिंग जब पर्सनली बात करूंगा, तो वो मेरा काम भी तुरंत कर देगा, और उस टाइम पे आप फीडबैक दे भी दोगे अगर वो मांगता है तो, और आप खुश भी रहते हो उस टाइम पे, है ना। तो वन ऑन वन होना बहुत जरूरी है। तो जो परफॉर्मिंग एडिशनल टास्क है वो भी इसी का एक हिस्सा है, आप कह सकते हो। तो ये 7 नहीं सॉरी 8, टोटल 8 मैंने एडवांटेजेस बताई हैं। अगली वीडियो में इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करूंगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, डिटेल में मैंने बताया है। एंड इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट, आई मीन जो लाइक वाला बटन है उसको क्लिक करो, कमेंट करो कुछ कहना है तो, एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और बेल आइकन तो पक्का दबा देना, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, थैंक यू सो मच।